अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा मरी गया मैं अपने दोस्त के साथ। मेरा दोस्त कहता है मेरा अभी एक और दोस्त आया है, तो खाना खाने के लिए चलते हैं। हम होटल में पहुंचे, मैंने कहा तेरा दोस्त नहीं आया? कहता यार वो गाड़ी में बैठा हुआ है। आप लोग तो हंस रहे हैं, मैं परेशान हो गया। तो मैंने कहा आ क्यों नहीं रहा? कहता यार वो नहीं आ रहा, उसको लेके आओ यार, किसी तरह लेके आओ। मैं जब गाड़ी में गया तो कहता नहीं नहीं भाई, इतने बहुत रश है, मैं नहीं जाना। मैंने कहा क्यों भाई? कहता मेरे इंस्टाग्राम पे 35,000 फॉलोअर्स हैं, लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। मैंने कहा अच्छा। मास्क लगा लिया उसने मरी में। उन्होंने जनाब असी लैके उत्ते गए तो मास्क उन्हें पाया, तो एक बंदा हाथ दे विच पेपर ते कलम लैके आया, कहता देखा देखा सरदार साहब, कहता देखा देखा अब यहाँ पे भी लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए आ गए ना, लोग अपना पर्सनल टाइम भी ना, जो फैमिली टाइम नहीं हो। मैं क्या वेटर ये ऑर्डर लेना आया है। मैं कहना ऑटोग्राफ से दूर थी गल, किसी ने मुंह नहीं देखा उदा। मेरी ये इल्तिमास है, ये दरखास्त है तमाम सो कॉल्ड मशहूर और असल मशहूर लोगों से, याद करें उस दिन को। इमरान अशरफ समेत आप सब ने दुआएं की थी अल्लाह ताला से कि या अल्लाह कोई ऐसा वक्त आए कि लोग साडे नाल सेल्फियां खिंचान, लोग हमसे ऑटोग्राफ लें, लोग हमें पहचाने। आज लोग पास आते हैं तो उन्हें धुतकारते हो, कहते हो तुम्हारे पास वक्त नहीं है, तस्वीर मत खींचो, ऑटोग्राफ का वक्त नहीं है, पीछे हटो। खुदा की दी हुई इज्जत की इज्जत करो, इन फैंस से मोहब्बत करो। ये फैंस नहीं, ये बॉस हैं, इनके लिए काम करते हैं, मैं तो इनके लिए काम करता हूं भाई। क्या बात। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, इमरान अशरफ की तरफ से हमारी इस खूबसूरत टीम की तरफ से खुश आमदीद। अरे ओ शेरा, हाय, ओए, मेरे इस दोस्त को इज्जत एहतराम प्यार से यहां से ले जाया जाए। माशाल्लाह लंदनों ले ला ले आज। I'm Robert from UK. Robert, where is Haniel Bela? Is sleeping now. I'm from UK. I'm from UK. Yes. कल फोन करके मैं कह रहे थे I'm from UK. I'm शदीद भूखे। This is not from UK. उतो ले आंदा त्रूके। भूखे। तो सरदार साहब, ये जो लोग जब अल्लाह ताला इज्जत देता है आपके फैंस बनते हैं, पहले आपको फैंस ही चाहिए होते हैं, फिर ये बाद की बात है लोगों को। आयशा, पैसे का लहू मुंह पे लगता है तो लोग मोहब्बतें भूल जाते हैं। ये तस्वीरें लेने वाले, ये ऑटोग्राफ लेने वाले, ये आपकी तारीफ करने वाले, कितना बड़ा हौसला होता है किसी इंसान के मुंह पे आके ये कहना कि आप हमें पसंद है। Exactly. आप हमारे घर में देखे जाते हैं। mm-hmm. हमारी माए बहने आपको देखती हैं, ऐसी मोहब्बतों को ठुकराते हैं। बुरी बात है, मैं कहना कि जो फैन तुम्हें मिले उन्होंने खुश होकर जफ्फी पा के तस्वीर लवानी चाहिए, क्योंकि असं दुआ करके तो इतने आए कि अल्लाह को मशहूर हो जाइए, तो जोड़ा अदाकार या जो मशहूर बंदा अपने फैन ना फोटो नहीं ना लवादा और चला जाता है, बस फिर तुम थोड़ी देर बाद खलो के ना पिछे वो जो फैन कहता ना अगर वो सुन ले तो क्यामत तक तो फुटबॉल आवे। सरदार साहब अपने फैन नाल प्यार करते हैं। अच्छा,
ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਆਪ ਕੀ ਕਹਤੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਏ ਪਿਕਚਰਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਏ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਏ ਮੈਂ ਹਨੀ ਸਰ ਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਥੀ ਆਪਕੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਨਸ ਮਿਲਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੋ ਆਪਕਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਫੈਨਸ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਕਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਕੀ ਰਹਿਮਤ ਕੋ ਕਭੀ ਆਪਣੀ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਅਰੇ ਹਾਏ 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 ਵਾਹ ਹਨੀ ਭਾਈ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਛੱਡ ਦੇ ਛੱਡੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਫੈਨ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਮਾਰੇ ਆਜ ਕੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਕਟਰ ਕੀ ਵਾਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਕਟਰ ਔਰ ਸੋਹਣਾ ਐਨਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਕਿ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਡਰਾਮੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਿੱਟ ਰੋਲ ਬੜੀ ਬੜੀ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੇ ਬਾਹਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਪੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਆ ਜਬ ਵੀ ਕਿਸੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੋ ਕੀਆ ਲੋਗੋਂ ਕੇ ਦਿਲ ਮੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੋਸਟ ਗੁੱਡ ਲੁਕਿੰਗ ਮਿਕਾਲ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੀਏ ਸਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੀਏ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੁੰਡਾ ਤੂੰ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਿਲ ਆ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਮਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕੀ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਟੀਮ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਹਮਾਰੇ ਪੂਰੇ ਚੈਨਲ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਇਮਰਾਨ ਅਸ਼ਰਫ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਜਬ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਆਤਾ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕੋ ਫੂਲ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਾਕਈ ਭਾਇਆ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਮੈਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਇਆ ਨੇ ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਅੱਲਾ ਹੋਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਇਹ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕੀ ਮੈਂ ਹੀ ਅਸਲੀ ਮਕਾਲ ਹੂੰ ਮੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵਾਹ 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 ਮਿਕਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਕਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਆਪਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਪੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਲੀਏ ਇਤਨਾ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਕਾਮ ਕੀਆ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਯੂ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਲੀਏ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਯੂ ਇਮਰਾਨ ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਟੈਲੈਂਟਡ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ ਔਰ ਆਪਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਆ ਇਮਰਾਨ ਕੇ ਲੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਲੀਆਂ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਔਨ ਯੂਰ ਨਿਊ ਸ਼ੋਅ ਮੈਨੇ ਕਲਿਪਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੇ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟ ਸੀਮਸ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ You're doing a great job. Thank you. Thank you very much, sir. Aur aap logon ka kaam theek hai. Very good, sir. Hi. MashaAllah, tusi ji sade vadde ho, tuhanda vi kaam theek hai. Assi TV ghat vekhi da. Lekin jehdi tuhadi film si na, bhaji. Money back guarantee si, bhaji. Oh, mera khayal public samajh nahi saki, unhon dobara banao. Asal mein wo dusri dafa dekh ke samajh aati. Am bhaji, inna di film hai vekhi, over khali. अच्छा मैं थोड़े तोपो के इशारे जो है अपनी तरफ से हटा लूं मैं आप लोगों के लिए एक तोहफा भी लाया हूं आपके लिए भी लाया हूं और आपके लिए भी लाया लेकिन मसला ये कि एक है आप तो आपस में जो मेरी कम बेइज्जती करेगा उसको मिलेगा ठीक है जो तोहफा लाए हैं ना वो हमें उसकी जरूरत नहीं आप आ गए हमारे लिए इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है ਲੇਕਿਨ ਮਨੀ ਬੈਗ ਜਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋ ਗਰੰਟੀ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕਰ ਲੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਲਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ
ਉਹ ਫਿਲਮ ਚੋਂ ਐਕਟਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟੁੱਟ ਪਏ। ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਲੈਣ ਨਾ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਈਓ ਭਾਈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਹਮਾਰਾ ਫਖਰ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਮਾਰਾ ਫਖਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਮਾਰੇ ਜੋ ਆਰਟਿਸਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ आपको देखा जाता है और प्यार किया जाता है। आप लोगों को भी बहुत देखा जाता है, बहुत फैन है। मेरे घर में हनी भाई, माय फादर इज अ ग्रेट फैन ऑफ योर्स। सर थैंक यू। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने ये कोई 50वां या 51वां शो है मेरा, आज मजाक रात होते हुए देख रहा हूं। रेटिंग्स के लिहाज से देखा जाए तो मेरा ख्याल है पिछले इस हफ्ते भी और उससे पिछले हफ्ते भी आपका ड्रामा नंबर वन जा रहा है। अरे क्या हुआ, कैसा लग रहा है सर आजकल? असल में ये ड्रामा बनाते हुए भी मुझे अंदाज़ा हो गया था, बिकॉज बहुत अच्छी लिखी हुई स्क्रिप्ट थी और आप भी एक्टिंग करते हैं, एक अच्छी चीज़ की बुनियाद स्क्रिप्ट ही होती है, और अगर स्क्रिप्ट अच्छी हो तो फिर बहुत मुश्किल होता है उसको कि वो मतलब अच्छा ना बने। सो मैं अभी US में था, उसके बाद लंदन में भी था, और यकीन करें मतलब US से ले कर लंदन से ले कर जहाँ जाएँ तो लोग आ रहे हैं और तारीफ़ कर रहे हैं ड्रामा की, तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। हालांकि नेगेटिव मेरा थोड़ा सा कैरेक्टर है, थोड़ा सा भी नहीं, अच्छा खासा नेगेटिव कैरेक्टर है, लेकिन फिर भी लोग परफॉर्मेंस अप्रिशिएट कर रहे हैं। एंड यू नो यू आर एन एक्टर, आप तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रोल्स करते हो इमरान, कैरेक्टर एक्टिंग करते हो, एंड आई वुड यू नो ओनली विश टू, आई वुड ओनली विश टू डू एक्टिंग, लेकिन ये जो कैरेक्टर में घुस के करते हैं माशाल्लाह। और भाईजान हिट भी हैं और मसरूफ भी हैं, मॉडल भी हैं, और इतना बिजी ने कि जराबा पाउन का टाइम नहीं मिलेगा। माशाल्लाह इतने हैंडसम हीरो हैं, आप भी काम। मैं जानना चाहूंगा कि आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है? आई थिंक सोनिया हुसैन बहुत प्यारी है। सोनिया, क्या बात, बहुत मुझे मतलब मुझे क्यूट चेहरे और इस तरह के यू नो अट्रैक्टिव। आपको इस तरह की रंगत पसंद है? हाँ बिल्कुल, आई डू एक्चुअली प्रेफर, क्योंकि मैं खुद कमी पूरी कर लेता हूँ ना बाकी तो। सोना बंदा तारीफ करे तो कुड़ी खुश हो रही है, मम्मी सुना मिकाल ने मेरी तारीफ की कि सोनिया हुसैन कितनी अच्छी है, प्यारी है। यहो जहा बंदा तारीफ करे कि सोनिया हुसैन बहुत सोहनी, अपने भरावान को कहीं लभ के छित्र ते मारो। तुम देख लो भरा मैं लभन आए ने। मेरा तो तल भी कोई नहीं। और एक्टिंग में? एक्टिंग में मैं समझता हूँ जो भी मेन स्ट्रीम एक्टर होता है सारे ही बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं, लेकिन मुझे पता है आप किसका नाम लेंगे? किसका? सबा कमर। हाँ सबा, सजल, सजल भी बहुत अच्छा, सजल वाह, दोनों का बहुत कमांड भी है और एक इंटेंसिटी है स्क्रीन पे जो ग्रैब रखते हैं, कैरेक्टर में रहते हैं। और सजल अली के साथ मैं फिल्म कर रहा था, सिर्फ इना मौका मिलता बारी खोल के सिर निकलना हाकू का घोड़ा। अगर आप एक्टर ना होते तो क्या होते? अगर मैं एक्टर ना होता तो मुझे बिजनेस का भी बहुत शौक है और मैंने कुछ डाइवर्सिफाई भी किया है, बल्कि हनी भाई मैं आपको कहने लगा था सैलून आए मेरे, हो सकता है। अच्छा जी, हो सकता है कोई क्या कहेंगे मिरेकल हो जाए। हाँ सर क्यों नहीं, थोड़ी देर के लिए हम जरा तब्दीली ले आए। नहीं मैं आऊंगा, मैं इन्होंने व्हीकल लुआई सी एडी सस्ती, उन्होंने सपोर्ट के भांडे भी धोंदे सर। यही रहिएगा क्योंकि दुनिया न्यूज पे चल रहा है मजाक रहा। सर मोहब्बत सुबह का सितारा है, ड्रामा सुपरहिट, अवार्ड मिला था उसमें, अवार्ड मिला था आपको। जिंदगी में भी मोहब्बत
सुबह का सितारा है या रात का अंधेरा है? मोहब्बत एक बाकी बहुत खूबसूरत चीज़ है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर दफ़ा हासिल भी हो जाए। कई दफ़ा मोहब्बत करके भी शायद आपकी किस्मत में नहीं होता या आपके आपके लिए बेहतर भी नहीं होता। तो मेरे ख्याल से जो होता है वो ठीक होता है एंड में, और मोहब्बत आपको सिखाती है काफ़ी कुछ। और विकास भाई, अक्सर कुछ लोगों का ओपिनियन है कि मोहब्बत एक बार, कुछ कहते हैं बार बार, आपका ओपिनियन क्या है? नहीं, मुझे लगता है बार बार होती है या डिफरेंट होती है हर दफ़ा। हर दफ़ा वैसी मोहब्बत नहीं होती, पहली मोहब्बत पहली होती है। मेरे जिस शिद्दत से आप पहली मोहब्बत करते हैं उस तरह मोहब्बत। किस उम्र में हुई थी पहली मोहब्बत? पहली हुई थी मुझे जस्ट आउट ऑफ स्कूल, तो 18-19 साल पे। ठीक है, ये वो मोहब्बत थी कि जो मोहब्बत एक यक तरफा मोहब्बत भी, वो हुई कभी? यक तरफा भी हुई है। अच्छा, क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे मोहब्बत हुई थी, अगले को नहीं हुई थी, यही हुआ था। अच्छा, आपने इजहार किया? हाँ बिल्कुल किया, वो सिलसिला चला भी थोड़ी देर लेकिन नहीं चल पाया। ये 18-19 से पहले की बात है? नहीं, ये अगली थी। मोहब्बत और दौलत में से एक चीज चूज करनी हो तो क्या चूज करनी चाहिए? आजकल तो दौलत से ही काम चल जाता है। मोहब्बत बड़ी फास्ट हो गई, 20-20 हो गई मोहब्बत। हाँ जी, पहले नहीं सिर्फ 12 साल रांझा मजिया चढ़ाता रहा, कोई काम सीख लिया ना। एक्टिंग के साथ साथ आपको सिंगिंग का भी बहुत शौक था, तो उसको परस्यू क्यों नहीं किया? बिल्कुल, एक्चुअली मैं एक्टर बनना मतलब बन गया, मुझे शौक भी था परफॉर्मेंस आर्ट्स का, लेकिन मुझे सिंगर बनने का ज्यादा शौक था, और आज आप लोगों के लिए गाना गा के आपके अलावा पाकिस्तान में सबसे हैंडसम हॉट मर्द किसे समझते हैं? काफी सारे हैं। एक एक सिर्फ एक एक अगर किसी एक का ही नाम लेना है तो आई थिंक फवाद। क्या पाकिस्तान का सबसे अच्छा एक्टर कौन है? यार यू आर रियली गुड इमरान, मतलब मैंने जितने भी तेरे साथ काम किया है या जो भी तेरे परफॉर्मेंसेस देखे हैं, चाहे वो भोला हो जाए या वो जो अलिफ अल इंसान में भी साथ किया था, हालांकि आई गेव दिस वे क्योंकि मैंने सवाल पूछना था, उसमें जो आपने कैरेक्टर प्ले किया था, यू आर फैंटास्टिक। क्या वाह, रियली यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिस्ट। थैंक यू, थैंक यू। तो बहुत ही प्यारी बेटियां। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी जान रानी और एलेना। हाय, कितना वक्त गुजरता है? बहुत ज़्यादा, जितना मिल सकता है। वही प्रायोरिटी होती है उन्हीं के लिए, अगर 3 बैग आ रहे होते हैं तो 2.5 में उनका सामान होता है और आधे बैग में मेरा सामान पड़ा होता है। स्वीट। मेरा आपसे, क्योंकि मेरी अभी शादी नहीं हुई माशाल्लाह, आप मेरा असिस्टेंट था वो अभी पिछले दिनों आया, तो वो पूछा, कहता है वैसे आपने मुझे कहा था ना करी, मैंने क्यों नहीं सुनी? मुझे क्या एडवाइस करेंगे? I would say only one thing is just know the person. I think इंसान को जिससे शादी होने जा रही है, जिसके साथ, क्या कहना चाह रहे हैं? Know the person, never yes. नहीं, इंसान को जानना जरूरी है. I think बहुत जल्दी ये फैसला नहीं करना चाहिए. My only advice would be के know the person and also know yourself as well. कह रहा है? आपने कहा ना my only advice would be know. 1947 में अंग्रेज यहां से चले गए, फिर हमारे पाकिस्तानी, बहुत से पाकिस्तानियों की ख्वाहिश होती है कि ओ इंग्लिशतान चले जाएं। जी, आप वहां पैदा हुए, आप एक्चुअली गोरे भी हैं। यस। आप पाकिस्तान आके काम कर रहे हैं, इसके पीछे क्या राज है? बस मुझे हमेशा ही पाकिस्तान, पाकिस्तान के लोगों से, यहाँ का रहन सहन, यहाँ की सकाफत, यहाँ का ट्रेडिशन, मतलब जो तौर तरीके होते हैं, उससे हमेशा ज़रा ज़्यादा लगाव था। वालदा जी, माई मदर इज़ इंग्लिश और अबू जो हैं पाकिस्तान लाहौर से हैं, दोनों जगह मेरी अपब्रिंगिंग हुई, लेकिन पाकिस्तान से हमेशा ही ज़्यादा लगाव था, लेकिन आजकल मैं सोच रहा हूँ मैं भी चला जाऊँगा। बट ये भी एक वजह हो सकती है। वो कहते हैं इनकी वजह से वापस जाना चाहता हूं। ये भी वजह। अस्सलाम वालेकुम सर, बिग फैन सर, माशाल्लाह। थैंक यू सर। क्या बात है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सबको। अस्सलाम वालेकुम जी। बड़े प्यारे लग रहे हैं आप। बाकी हां सर, माशाल्लाह मैं बचपन में बहुत खूबसूरत इन जैसा था।
फिर मुझ पे ना काला इलम हो गया। अच्छा उतो फिर बेड़ा गर्क हो गया। इधर तो काला इलम होया है, काला इलम चीखा मार के वापस दौड़। क्या फायदा? ये मेरे साथ ऐसे करते हैं सर, ये देख के फिर भी आप रोज आ जाते हैं। क्या फायदा बाद में हमदर्दी वाली पोस्टें लगाने का? हाय हाय, क्या फायदा जब हम जीते जी किसी की तमारदारी नहीं करते, बाद में पोस्टें लगाने का क्या फायदा? बहुत अच्छी बात। बीमार इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत क्या होती है सर? क्या होती है? आपके वक्त की और दो हमदर्दी के बोलों की। हाय हाय, इस पे मैंने सर एक छोटा सा शेर लिखा है। तमारदारी करन गया सी बंदे ने। अच्छा ओना मुंह वेख के कहता यार तू ना। That's all. हाँ, no problem. सर जी कितने प्यारे हैं, भाई अल्लाह, वो मिला क्यों ना, मिला कुकलू कुकलू, वो मिन्या चद के जामा। शेर पढ़ते। ये दवाइयाँ तो एक हीला है, जाके पूछो कभी बीमारों से, है वो गड़ियाँ ही ज़िंदगी उनकी, बात करते हैं जब वो प्यारों से, जा किसी प्यारे को खून दे, टॉपक जमा कानून दे, टॉपक जमा कानून दे। एक वक्त था कि जब घरों में समाजी ताल्लुकात से आदाब सिखाए जाते और तिमारदारी भी उन्हीं में शामिल थी, खुदा रहा इस रवायत को जिंदा करें। हम बांटने की चीज नहीं, फिर भी दोस्तों एक दूसरे के हाल से वाकिफ रहा करो। अल्फाज इस्तेमाल जो करते हो पोस्ट में, दुनिया से जाने वालों के मुंह पर कहा करो। दिल ना माने तो दिल पे जबर कर लो, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मारे लो, थोड़ा थोड़ा मारे लो। पर ये एक छोटा सा शेर आपकी नजर। आपने एक सुनाना था, चार पांच सुना। नहीं नहीं सुना है, सुना है। बात बहुत अच्छी की आपने, मैं बात दे दूं इस बार सर। माशाल्लाह, लव यू सर, लव यू टू। उदास आंखें गजाल आंखें, सर ये आपके लिए सर। अरे उदास आंखें गजाल आंखें, जवाब आंखें सवाल आंखें, अगर निगाहों से मिल गई तो कर देंगी जीना मुहाल आंखें। आंखों से बच के कहां जाऊं, वड़ा वाओ 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 वड़ा वाओ वाओ जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट, मैं उस अचीवमेंट की बात नहीं कर रहा जो दुनिया आपको बताती है कि यार मिकाल क्या अचीव किया है तुमने, वो अचीवमेंट जो मिकाल साहब खुद अपने आप को तन्हाई में या सरगोशी में या खामोशी में खुद से कहते हैं कि वाह मिकाल ये अचीव किया जिंदगी। मुझे लगता है, और ये मेरे अपने लफ्ज़ों में है, आई डोंट नो बाकी ऐसा है नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अच्छा बेटा हूँ अपने माँ बाप के लिए। अगर मेरे माँ बाप को ये लगा कि मैं उनके लिए अच्छा बेटा रहा हूं, तो यही मेरी सबसे बड़ी है। अरे वाह वाह, आदाब भैया, मिकाल जुल्फकार साहब तशरीफ लाए हुए हैं। मेरे खबरी ने मेरे को इत्तला दी है कि आज मिकाल साहब आए हुए हैं। आप कैसे इमरान? अरे बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए कैसे? ठीक है, चूना कत्था ठीक लग रहा है? मैं कह रहा बराबर लग रहा है। पान बेचता हूँ, शान बेचता हूँ, कत्था नहीं है मेरा, खूने जिगर है यारो, आपके लबों की खातिर मैं पान बेचता हूँ। वाह 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 वाह, मिकाल भाई आया तो आज छोटा सा काम था, मैंने कहा चलो मैं मिल लूं, आपने मेरे साथ चलना है। ढिड वधिया पाजी, मिट्टी खांदे हो, बात कर ले, दफ्तर चाहिए। मिकाल भाई आपने मेरे साथ चलना, वो मोहल्ले में ना बच्चों ने टूर्नामेंट रख लिया है, आज मुबारक हो मुझे भी और आपको भी, आपका भतीजा मेरा बेटा लुट्टन आज ओपनर जा रहा है, ओपनर आप उस मैच के मेहमान खसूसी है, डन हो गया, मेहमान खसूसी, और मैच के इख्तिताम पे आपने इसे करना है। 12 लड़के हैं,
आपने सब लड़कों को 10,000 रुपए इनाम देना है और है मेरे बेटा आपका भतीजा उसको 50,000 दे दिया 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 अरे हाँ दिया 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 बड़े बड़े आदमी ने अच्छा जी इन्हें घर के बाहर लिख रहे हैं कि मुफलिस फैमिली अरे ये तो लाफ करता और उसके बाद जो चाय है मैंने अपने गरीब खाने पे रखी हुई चाय मेरे लिए कितने देने होंगे देखे आप खुद कह रहे थे वो चाय पीनी है आपने वो पिछले दिनों में ना बिजली का बिल आ गया आपके भतीजे है ना वो कमबख्त गर्मी से बहुत चालू है वो अभी भी एसी चला रहे हैं वो को 8,00,000 बिजली का बिल है वो तो आप ही देंगे देखे हैं देंगे ना फिर यह कि देख किराएदार की कोई जिंदगी नहीं मैं खाल भाई किराए का घर है मुझे पता चला कि केंट में आपका घर है और ऊपर वाला पोर्शन फारग है फजूल पड़ा हुआ तो अपने भाई को किराए पे दे दें या मुफ्त दे दें बस जब मेरे हालात सही होंगे ना 20-25 साल बाद तो मैं आप छोड़ के चला जाऊंगा ठीक है दे देंगे ना दे देंगे बता दे ना बता दे इछरे के जेम्स बॉन्ड बता दे पहले असल वाला जेम्स बॉन्ड कहें फिर दूंगा असल वाले मेरा मेरे महंगे समोसे ने हाँ कर दी गाड़ी लेके आ रहा हूँ हनी भाई सर एड्डा सोना मुंडा माशाल्लाह हिट जबरदस्त एक्टर मजाक रात दे सेट दे उते मौजूद होए 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 और स्पॉटलाइट नुक्कर च बैठी गुंड कड्डे छुप छुप के देख रही है शर्मा रही है ओए एड्डा सोना मुंडा वे के स्पॉटलाइट कह रही कि आज मैं स्पॉटलाइट में जा रही हूं निकाल जुल्फिकार साहब को आपने एक्टिंग करते हुए मॉडलिंग करते हुए तो देखा सुना होगा गाते हुए भी सुना है लेकिन आज मजाक रात में लाइव गाना सुनाएंगे निकाल साहब द स्पॉट इज ऑल योर्स द वर्ल्ड वाज ऑन फायर नो वन कुड टेक मी बट यू It's strange what desire makes foolish people do. Oh, I've never dreamed that I'd meet somebody like you. Oh, I've never dreamed that I'd love somebody like you. तन्हाई के सफर में चलना सबर से कोई भी मुझको सुन रहा जब ख्वाब में सोचा जाए मंजिल को निभाना जाए दिन वो याद आए ना खता हो गई सजा हो गई पुराने दिन याद आए ना दुनिया के इस शोर में है मर के होती जिंदगी क्या मैं डूब रहा बचाना मुझे बचाना What a wicked thing to do To make me dream of you What a wicked thing to say You never felt this way. What a wicked thing to do to make me dream of you. And I don't want to fall in love. No, I don't want to fall in love. With you
कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है मैं और इमरान, और देखते रहिए ऑडियंस, हमारे प्यारे, हमसे मोहब्बत करने वाले, हम इनसे मोहब्बत करने वाले, जब ये आते हैं तो बात बन जाती है। इनके लिए हम ताली बजाएंगे सर। क्या बात जी। ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मेहरबानी, शुक्रिया आपका। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आपका शो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। और आपने भी बड़ा काजल लगाया हुआ है। अजय देवगन पर मैं गुस्सा कर जाए। क्या कहना चाहती है? मैं शेर बोलना चाहती हूँ। शेर बोलना चाहती है, बोलिए प्लीज। कहाँ वफा मिलती है मिट्टी के इन हसीन इंसानों से, यहाँ लोग बगैर मतलब के खुदा को भी नहीं याद करते। नाम क्या है आपका? चांदनी। आप ऐसे ही चमचमाती रहो। थैंक यू। और ख्वाहिश जो भी है आपकी, जायज ख्वाहिश, मेरा रब पूरी करे। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई का? अल्लाह का शुक्र सर। क्या करते हैं? लेबोरेटरी है सर। अरे माशाल्लाह यार, थैंक यू यार, तुसी आ गए। इहदे टेस्ट ते करा टेस्ट कराओ, वाल जिहड़े लवाई दे ने अंदर लंघ जांदे ने। सर नाम? सर फारूक शाकिर। क्या कहना चाहते हैं? सर मिकाल साहब से बात करनी थी। जी करिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरी मदर आपकी बहुत बहुत बड़ी फैन है, उन्होंने आपके सारे सारे ड्रामे देखे हैं, उनको इतने पसंद हैं कि उन्होंने आपके नाम से मेरे बेटे का नाम मिकाल। अच्छा। नाम। अरे आपने इनके बेटे का नाम मेरे नाम से रखा है, तो जैसे आपकी मर्जी। जान तो सबको प्यारी होती है। जान तो सबको प्यारी होती है ना, पर तू ना जान से भी ज्यादा। थैंक यू सर। खुश रहो, आबाद रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है माँ जी? अल्लाह का शुक्र है बेटा। पहले आपके मैं ड्रामास देखती थी, आपकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी, और माशाल्लाह आपने गौस का भी जो करेक्टर है बहुत अच्छा आपने गौस का निभा दिया। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैंने आपके ड्रामास देखे, भोला वाला, मूसा वाला, अब आपका एक और न्यू आ रहा है नमक हराम, उसमें भी माशाल्लाह आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। तुसी मेरे मां वर्गी और मेरी अम्मी बिल्कुल तुहाडी तरह दे ही ने। तुसी कदी उन्हां नूं वेखोगे ना, तुहानूं पता लग जाएगा। ये नमक का जायका ज्यादा देर तक नहीं चलता माँ जी, ये चुटकी हर भूख के साथ चाहिए होती है। मिकाल साहब, बहुत शुक्रिया। मिकाल की भी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। उनका एक ड्रामा था हसारा, उसमें इनका नाम था मोतसिम। खसारा। हाँ जी, खसारा। तो वो मुझे इनका ड्रामा भी बहुत अच्छा लगा, इनका करेक्टर भी बहुत अच्छा था, तो मैंने अपने नवासे का नाम जो है वो मोतसिम रखा है, वो 2 ईयर्स का है। अरे क्या बात है, खूबसूरत आवाज है, जैकेट भी अच्छी है, और मुच्छां भी तारीखी ने। प्यारे हो, क्या कहना चाहते हो? सबसे पहले तो मिकाल सर को वेलकम करेंगे मुज़ाकरात में, और अपनी वालदा की लिखी हुई किताब मैं आपके लिए लाया हूँ गिफ्ट के लिए, अपनी वालदा की तरफ से। अरे दो, मैं लेता हूँ आपसे। क्या बात, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सुबह नो रेहाना उस्मानी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, शायरी क्या बात है जी? शायरी नहीं, नहीं पाए ना खाने पकाने दी। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम? सुजान दौलत राणा। क्या करते हैं? मैं बैंक मैनेजर हूँ। अच्छा, ना दे नाल फिर जॉब भी तुहानू अल्लाह ने वही देती। दौलत, हाय हाय हाय, मेहरबानी।
ਉਂਗਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋ ਪੰਨਾ ਯੂਰਪ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਤਬੂ 'ਚ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਨਾਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੁੱਲਾ ਮੈਂ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸੌਂਗ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਸਰ ਅਰੇ ਇਤਨੇ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਏਂਗੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹ ਬੈਂਕ 'ਚ ਵੀ ਸੌਂਗ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੁਣਾਈਏ ਸਰ ਸੁਣਾਈਏ साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई साया भी साथ और रोना चाहूं तो आंसू आए ऐसी है तन्हाई साया भी साथ पाया गम ने ये बिन तेरे गम की राहें और रंज के अंधेरे गम की राहें और रंज के अंधेरे वो भी खो गए हमसे हाए ऐसी है तन्हाई साया भी साथ याद आते हैं बीते जमाने जब तुम आए थे गम को मनाने जब तुम आए थे गम को मनाने दिल रूठे दर्द मनाए लेकिन सर राणा साहब आप एक बैंकर हैं आपने गाना गाने की कोशिश की आप मजाक रात में आए आपने इतनी अच्छी कोशिश की आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच राणा साहब ने फालज वाले बंदे ठीक किए ने इन्होंने गाना गाया उन्होंने उठ के टीवी बंद की जी अस्सलाम वालेकुम सर जी वालेकुम सलाम सर कैसे हैं आप सर ठीक ठाक आप सुनाए बिल्कुल ठीक ठाक नाम बताइए सर वैसे तो मेरा नाम राणा आबिद है लेकिन आप आबिद रशीद ही समझ लीजिए सर सर कहना मैं ये चाहता हूँ कि मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ आपका शो देखने अरे वैसे तो शायद मैं ना आता लेकिन मेरी वाइफ आपकी बहुत फैन है आप आपके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लीमेंट्स कह सकता हूँ आपको आपके आने से बड़ी फ्रेशनेस ही है ये शो में अरे बहुत जैसे ना कोई जैसे बिल्कुल चीज़ फ्रेश हो गई है वाह तो आप इस चीज़ को ज़्यादा इन्जॉय करते हैं कि अपनी एक्टिंग को ज़्यादा इन्जॉय करते हैं और इनके लिए ये है कि ये मेरे शहर में बहुत आते रहे जब मैं छोटा था सावरनाथ साहब सरदार कुमार साहब जनावाला से मेरा तल्लक है सर अच्छा अच्छा तो ये तो बहुत ही ज्यादा आते रहे हैं इन्होंने बड़ी एंटरटेनमेंट दी थैंक यू सो मच फॉर आपका सर थैंक यू सर दुनिया का जो सबसे खूबसूरत नशा है वो मोहब्बतें समेटने का है बिल्कुल उसमें तरीकेकार मानी नहीं रखता मोहब्बत की मकदार मानी रखती है वो होस्टिंग से मिले या एक्टिंग से मिले मैं आप लोगों का खादिम हूँ और आप लोगों के लिए काम करता रहूँगा आप मोहब्बत देते रहिएगा इमरान अशरफ आपके लिए हाजिर है चाहे वो होस्ट हो या थैंक यू अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम कैसे हैं भाई अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाएं कैसे मैं बिल्कुल ठीक भाई क्या नाम है सैयद हसनैन हैदर की कहना चाहते हो मैं जैसे कि ओन भाई ने आपसे क्वेश्चन किया था मोहब्बत के बारे में मिकल भाई से भी किया था वही शायर की सूरत में बताना चाहता हूँ तू जो भी चाहेगा खुदा वो तुझको अता करेगा तेरे लिए ये फकीर दिल से दुआ करेगा हमारे मिलने की कोई सूरत नहीं फिर भी ये लग रहा है अब खुदा कोई मौजा करेगा अरे देखे क्या खूबसूरत बात आपने कही है कभी कभी ऐसा होता है कि हम मौजे को बहुत बड़ी चीज़ के साथ मुंसलिक करते हैं कुछ लोगों की सांसें चलती हुई नजर आ जाएं तो वो भी मौजा ही हो जाए आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया सर थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच थैंक यू निकाल साहब ओए 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 मुंडा सानू तो आज पता लग गया अद्धे पाकिस्तान का ना है ना तू है सर देखिए क्या मोहब्बत है लोगों को आपसे क्या प्यार है बिल्कुल और आपसे भी थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग सर मेरी आपके लिए दुआ है और आपकी जो दोनों बेटियां हैं वो मेरी भी बेटियां बिल्कुल थैंक यू अल्लाह करे कि उनकी जिंदगी में
कभी कोई गम ना आए सर. थैंक यू सो मच.